बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी बिलाल अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आल पाक फर्सेस। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत आसान सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो है बेसिडियो मायकोटा लाइफ साइकिल। या अगर हम बेसिडियो मायकोटा के वर्ड को रिमूव करें और अगर हम वर्ड यूज करें मशरूम का, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। सो मशरूम का जो लाइफ साइकिल है ये टू फेजेस में डिवाइड है, जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो मायकोटा, और वी कैन से द लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। यानी जो मशरूम का लाइफ साइकिल है ये हमारे पास टू फेजेस में डिवाइड है। उन फेजेस का नेम है सच इज अर्ली स्टेज एंड द लेटर स्टेज। अब मैंने आप लोगों के लिए कंपैरिजन भी लिखा हुआ है कि मशरूम का अर्ली स्टेज क्या है और लेटर स्टेज क्या है। अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें, सो दिस इज एन इमैच्योर फेज, यानी ये एक इमैच्योर फेज होगा। इस टाइम में जो मशरूम है वो अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा। जबकि अगर हम लेटर स्टेज की बात करें या लेटर फेज की बात करें, मैच्योर फेज, यानी यहाँ पर मशरूम की जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हुई होगी। शॉर्ट फेज जो अर्ली स्टेज है, शॉर्ट होता है, कम टाइम के लिए होता है। एंड द लेटर फेज इज लेंथी फेज, जो लेटर फेज है जो या जो लेटर स्टेज है ये एक लेंथी फेज है, ज्यादा टाइम तक रुकने वाला फेज है। द थर्ड पॉइंट इज अर्ली स्टेज इज न्यूट्रिशनल। अर्ली स्टेज में मशरूम करेगा क्या, खाना खाएगा और अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। जबकि जो लेटर स्टेज है यहाँ पर नो न्यूट्रिशन होती है, यानी यहाँ पर मशरूम कोई भी खाना कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएगा। हैविंग मोनोकैरियोटिक हाइफी, यहाँ पर जो अर्ली स्टेज है यहाँ पर जो हाइफा होगी वो मोनोकैरियोटिक होगी। मोनोकैरियोटिक से मुराद, लेट्स सपोज ये एक हाइफा है जिसमें हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। व्हाइल इन लेटर स्टेज हैविंग डाइकैरियोटिक हाइफा, जबकि जो लेटर स्टेज है इसमें जो हाइफा होगी उसमें क्या होगा, उसमें दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इंसान जो अर्ली स्टेज है मशरूम का उसमें फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि अगर हम लेटर स्टेज की बात करें तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का बनना लाजमी है, जिसे हम नाम देते हैं बेसिडियो कार्प का। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज की समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं टू वर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम। डायग्राम के जरिए मैं आपको कम्प्लीटली तफसील से बताऊँगा, आप इससे अपने लिए आसान और इजी नोट्स बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एक मशरूम ड्रॉ किया हुआ है। ये मशरूम का हाइफा है, और जब मशरूम का हाइफा उसमें दो दो न्यूक्लियस है तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि डाइकैरियोटिक हाइफा है। डाइकैरियोटिक हाइफा इसलिए है क्योंकि इसमें दो दो न्यूक्लियस है। ये मशरूम है, मशरूम का जो टोटल टोपी होती है इसे हम नाम देते हैं पाइलियस का। और सुन, जब आप मशरूम का उल्टा साइड देखोगे तो वहां पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हॉस एक झुंझट सी बनी होती है, बहुत ज्यादा कलेक्शन होती है, इसे हम नाम देते हैं गिल्स का। जब हम एक गिल को उठाएंगे, जिस तरह मैंने आपके लिए रेड मार्कर से बनाया है, ये एक गिल है और एक गिल के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं इसको हम नाम देते हैं बसीडियम का। बसीडियम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसिडियम में कैसी जगह है जहां पर बेसिडियल स्पोर्स अटैच होंगे। अब अगर हम एक बेसिडियम को उठाए, इसको जूम करें, इसको बड़ा करें, तो इसके दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, इन दोनों न्यूक्लियस का आपस में मिलना होगा। और आप लोगों को पता है कि जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं कैरियोगेमी का। कैरियोगेमी होने के बाद एक डिप्लॉइड स्टेज बनेगा, ठीक है। डिप्लॉइड स्टेज है, ये टू एन है क्योंकि दो न्यूक्लियस थे, एक बी एन दूसरा बी एन दोनों फ्यूज हो गए, तो एक डिप्लॉइड स्टेज आ गया। अब जब डिप्लॉइड स्टेज आ गया तो इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस आप लोगों को पता है कि एक रिडक्शन प्रोसेस है, और इससे हमारे पास फोर सेल्स बनते हैं।
जो फोर सेल्स बनेंगे ये बसीडियम के ऊपर लगेंगे, ठीक है, दो पॉजिटिव होंगे दो नेगेटिव होंगे, यानी जो स्पोर्स बनेंगे इनके स्ट्रेंड्स अपोजिट होंगे, जिस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता है कि बिसीडियो स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ एयर और विद द हेल्प ऑफ एनिमल और विद द हेल्प ऑफ वाटर ये डिस्पर्स होंगे, और जब डिस्पर्स होंगे तो पॉजिटिव स्पोर्स वाले बनाएंगे पॉजिटिव हाइफा, नेगेटिव स्पोर्स वाले बनाएंगे नेगेटिव हाइफा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे एक डिप्लॉयड हाइफा अगेन बनाएंगे। ये जो डिप्लॉयड हाइफा है इसके पास भी दो दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब आप लोगों को पता है कि एक डाइकैरियोटिक हाइफा आ गया, तो जो डाइकैरियोटिक हाइफा है ये अगेन एक होल मशरूम को बनाएगा। अब ये जो मशरूम का लाइफ साइकिल है इसको मैंने टू में डिवाइड किया हुआ है, एक है लेटर फेज और एक है अर्ली फेज। अगर आप लेटर फेज पे फोकस करो तो सारा का सारा डिप्लॉयड है, अर्ली फेज पे अगर आप फोकस करो तो ये शॉर्ट है और साथ साथ सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। एक दफा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, ये एक मशरूम है जो अपने डाइकैरियोटिक फेज में या लेटर स्टेज में प्रेजेंट है, इसके बाद जो हाइफा है उसमें दो दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। ठीक है, मशरूम के ऊपर जो पूरा जो गोल टोपी होती है इसे हम नाम देते हैं पाइलियस का। पाइलियस का जब आप निचला वाला साइड देखोगे तो उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम नाम देते हैं गिल्स का। एक गिल को जब मैंने बड़ा किया उस पर बेसिडियम लगे हुए थे, और बेसिडियम मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी जगह है जहाँ पर बेसिडियम स्पोर्स अटैच होंगे। जब हमने एक बेसिडियम को बड़ा किया तो उसमें हमारे पास टू न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो इस पे नामिना को हम नाम देते हैं कैरियोगेमी का, और ये चेंज होता है एक डिप्लॉयड स्टेज में। डिप्लॉयड स्टेज में हो गया मियोसिस, फोर स्पोर्स आ गए जो बेसिडियम के ऊपर लगेंगे, दो पॉजिटिव होंगे दो नेगेटिव होंगे। जो स्पोर्स है फिर आप लोगों को पता है कि इसकी डिस्पर्सल होगी, डिस्पर्स होने के बाद पॉजिटिव न्यूक्लियर पॉजिटिव जो स्पोर्स है वो पॉजिटिव हाइफा बनाएंगे, जबकि जो नेगेटिव स्पोर्स है वो नेगेटिव हाइफा बनाएंगे। दोनों के दरमियान फ्यूजन होगी, फ्यूजन को हम नाम देते हैं प्लाज्मोगेमी का। प्लाज्मोगेमी के बाद एक अगेन एक डाइकैरियोटिक हाइफा आएगा, और ये जो डाइकैरियोटिक हाइफा ये अगेन एक मशरूम को बनाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको मशरूम की लाइफ साइकिल की समझ आ गई होगी। बेस्ट यही होगा स्टूडेंट्स के आप बिसीडियो माइकोटा को इसको रिमूव करके मशरूम लाइफ साइकिल लिख दो, ठीक है, क्योंकि जो मशरूम है ये हमारे पास बिसीडियो माइकोटा की एक स्पीशी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।